नमस्कार दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए और लाइक प्रेस करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं फाइनेंशियल नॉलेज के साथ में, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं एक लाइक के साथ में। दोस्तों आज का वीडियो है ऐसे स्टॉक चूज करके दूंगा आपको जो इंट्राडे के लिए बेस्ट है। जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्टॉक फाइंडिंग में बड़ी दिक्कत रहती है। किसी ना किसी टिप प्रोवाइडर के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हैं कि कहीं से टिप मिल जाए, कोई ब्रोकर बता दे, कोई ये बता दे, कोई वो बता दे, जिसके ऊपर काम कर सकें। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी एनालिसिस खुद कर लें और शाम को घर जाने के बाद में आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रात को सोने से पहले कोई आधे घंटे का सीरियल स्किप कर दें या कोई मूवी स्किप कर दें या कोई मैच का कोई पोर्शन स्किप कर दें, तो क्या हर्ज है? क्योंकि अगले दिन आपका लाखों करोड़ों रुपये बाजार में लगा हुआ है, एक हार्ड अर्न मनी आपने मार्केट में लगा रखी है, तो क्यों हम आधे घंटे अपने आप को नहीं दे सकते? गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्टडीज को समय दीजिए, अपने इमोशंस को परे करते हुए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने पे ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है आपके लिए, डोंट ट्रेड योर इमोशंस, ट्रेड योर प्लान। यस, यू हैव टू प्लान। एक प्लान बनाना होगा, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, और उस स्ट्रेटजी के तहत सबसे पहला रोल जो हमारा रहता है वो होता है फाइंडिंग गुड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग के स्टॉक्स ढूंढेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ढूंढेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या है। बस उम्मीद करता हूं आपने अभी तक लाइक प्रेस कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा हमारे पास आसान तरीका है जो कोई भी कर सकता है, और इस तरीके में सिर्फ आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाली है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मुझे शायद 10 मिनट लगने वाली है, क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो में ये हुआ वो होगा, बट आपको घर जाके इस स्कैनर को बनाने के लिए, इस स्क्रीनर को बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगने वाली है। इसके लिए आपको अपने गूगल से हेल्प लेनी है, गूगल के पास जाना है, हर चीज करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा हैंड होल्डिंग के साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी एम्पावर हो जाएं, आप अपनी नॉलेज को खुद टेस्ट करें, खुद सीखें, खुद बाजार में आए। तो गाइस, हम सबसे पहले चलते हैं गूगल में, हम लिखते हैं टिकर टेप। देखिए आप सब इसको जानते हैं, कोई मैंने नहीं बनाया, आप इस टिकर टेप को सबको जानते हैं। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, पहला लिंक आपके सामने आता है टिकर टेप का, ठीक है ना, टिकर टेप खुल जाता है। यहाँ पे कुछ 4,500 शेयर एकदम स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता कि ये स्टॉक्स में क्या वोलेटिलिटी है। गाइस, ट्रेडिंग करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो होती है बीटा। बीटा मतलब उस स्टॉक में वोलेटिलिटी कितनी है, मतलब अगर मार्केट का बीटा 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक्स का बीटा भी अगर 1 है तो अगर मार्केट 1% चलेगी तो आपके स्टॉक भी 1% ही चलेंगे, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। मार्केट अगर 1% ऊपर जाएगी तो आपके स्टॉक 1% ऊपर जाएंगे, मार्केट 1% नीचे आएगी तो स्टॉक भी आपके 1% नीचे आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि बीटा को हम एक किस्म से वोलेटिलिटी कहते हैं। तो बाजार जितना वोलेटाइल होगा आपके स्टॉक्स भी उतने ही वोलेटाइल होंगे, ऊपर या नीचे। अगर आपने फॉर एग्जांपल पीएनबी ले लिया, आप सोचते हैं इंट्राडे करने वाले, अरे कहां होगा, पीएनबी का बीटा ही नहीं है, तो वो स्टॉक वोलेटाइल कैसे होगा? हमको पता होना चाहिए कि जब तक स्टॉक में मूवमेंट नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडर्स का जनरली जो फेवरेट रहता है वो बीटा कम से 1.5 से ऊपर ही वो चूज करते हैं, ताकि उनको बाजार में अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिल जाए। बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल स्टॉक 3-4-5 के बीटा वाले स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम वोलेटाइल होते हैं। क्योंकि मार्केट अगर 1% चली है तो आपका स्टॉक हो सकता है 5% चले, मार्केट 1% गिरी है तो आपका स्टॉक 5% गिरे, मार्केट गिरेगी 1% आपका स्टॉक 5% गिरेगा। तो यहाँ पे वी हैव टू बी कंजर्वेटिव इन चूजिंग द बीटा, सो आइडियल बीटा शुड बी 1.5, 1 or 2 मैक्सिमम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट में ऐड फिल्टर के ऊपर सबसे पहले जाएंगे, पहले अपना बीटा लगा लेते हैं, यहाँ पे सर्च फॉर फिल्टर्स पे जाएंगे और सीधा टाइप करेंगे बीटा। क्लिक करते ही देखिए लास्ट में एक बीटा का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे जब इस कॉलम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये घटते क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बीटा को आइडेंटिफाई कर देता है, स्टॉक्स की लिस्ट बना देता है। यहाँ पे देखिए 4,500 स्टॉक्स का बीटा आपके सामने आ गया है। ये अलग अलग शीट से आप जा सकते हैं तो पूरे शेयर्स आपके सामने आते चले जाएंगे, ठीक है। पर हमें इतने शेयर्स का क्या करना है, हमें तो गिने चुने 4 या 5 शेयर्स है जिसके ऊपर स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिस्ट को छोटा करेंगे, लिस्ट छोटा करने के लिए आप स्टॉक यूनिवर्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट में ये कॉलम है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50। कुछ लोग निफ्टी 50 में काम करते हैं, कुछ लोग निफ्टी मिड कैप 100 में शेयर्स में से चूज करते हैं। तो निफ्टी 50 में से आपका रिजल्ट सीधा 50 शेयर्स के ऊपर आ गया। अब 50 शेयर्स में ये देखिए सबसे हाईएस्ट बीटा किसका है, इंडसइंड बैंक का 2.3, बजाज फाइनेंस का 1.79, टाटा मोटर्स का 1.75, बजाज फिनसर्व का 1.71। मतलब ये टॉप के 5 या 10 स्टॉक्स उठा सकते हैं, इसमें से फिर आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं, अपनी स्टडी लगा सकते हैं, जो इंडिकेटर्स या स्टडी आपने सीखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेस्ट स्टॉक आपको समझ में आता है
उसको आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इतना ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बाजार को मुश्किल हमने बनाया हमारी नॉलेज की एब्सेंस की वजह से। अगर आप मिड कैप सेक्टर में से स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको फिल्टर करके मिड कैप 100 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ 100 शेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे हाईएस्ट वोलेटाइल यहाँ कौन है? अदानी गैस। तो यहाँ पे जैसे अदानी टोटल गैस का कोई बीटा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बीटा पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 1.99 है महिंद्रा फाइनेंशियल्स का, L&T फाइनेंस होल्डिंग का 1.96, हिंदुस्तान कॉपर का 1.95, इंडियन बैंक का 1.92, बैंक ऑफ इंडिया का 1.85। तो ये हमारे लिए बेस्ट स्टॉक्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए। गाइस यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका बीटा 1 के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाजार के साथ साथ हम भी चलेंगे और बेटर रहता है 1.5 के आसपास हो, बट हाईली वोलेटाइल चाहिए तो 2 के आसपास का बीटा आपको पसंद आएगा। तो निफ्टी 100 में अगर जाते हैं तो ऐसे इंडसइंड बैंक यहाँ भी टॉप करता है 2.3, अदानी ट्रांसमिशंस 2% के आसपास है, बंधन बैंक 2.16, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1.94, बजाज फाइनेंस 1.79। बाजार गिरेगा तो ये ज्यादा गिरेंगे, बाजार चढ़ेगा तो ये ज्यादा चढ़ेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। गाइस इसमें आप बहुत अच्छे से और भी फिल्टर लगाते हैं, आप स्मॉल कैप कैटेगरी में से चूज कर सकते हैं, आप मिड कैप में से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लार्ज कैप में से चूज कर सकते हैं। तो जैसी कैटेगरी आप करना चाहे सिंगल क्लिक पे आपके सामने अवेलेबल है। आप इसमें लॉग इन करके इसको सेव भी कर सकते हैं। आप ज़ीरोधा का अकाउंट अगर आपके पास होगा तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। ज़ीरोधा का अकाउंट अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और यहाँ पे एक मेंबरशिप भी आप बना सकते हैं, यहाँ मेंबर भी बन सकते हैं, पेड मेंबर और फ्री मेंबर दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको सिर्फ गूगल का इस्तेमाल करना है। आप कुछ नहीं करना चाहते, कोई अकाउंट नहीं खोलना चाहते, मत खोलिए, कोई टेंशन नहीं है। ये स्क्रीन आपके सामने है, बस आप अपनी लिस्ट बनाइए और शाम को सोने से पहले आधे घंटे अपने पैसे को दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपनी स्टडी को दीजिए। आई रियली होप कि आप एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टॉक ढूंढ पाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद शायद आपकी डिपेंडेंसी किसी टिप प्रोवाइडर के ऊपर खत्म हो जाएगी। आप अपने स्टॉक से खुद चूज करेंगे, खुद मेहनत करेंगे और अगले दिन देखिए, कुछ दिन की मेहनत है, कुछ दिन की बैक टेस्टिंग है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू यस यू विल बी सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर ऑल्सो इन द मार्केट। तो गाइज ट्रेड योर प्लान्स नॉट योर इमोशंस। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक प्रेस कर सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आई एम ओपन फॉर द कमेंट्स एंड सजेशंस। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।